पर आज आप जो हैदराबाद प्रेस क्लब से पैदल चलते हुए मार्च लेकर आए हैं सिंधी वॉइस मिसिंग पर्सन्स का, जिस तरीके से जबरी गुमशुदगी बलूचिस्तान में हो रही थी और जिस तरीके से रियासत इसके होश के नाखून नहीं ले रही थी, वो सिलसिला एक अरसे से इन्होंने सिंध में भी जारी रखा है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं पाकिस्तानी रियासत को कि ये सिलसिला से बलूचिस्तान से सिंध और सिंध से केपी और पंजाब तक नहीं रुकेगा। अगर अभी भी पाकिस्तानी रियासत होश के नाखून नहीं लेती और तमाम सूबों को बराबरी के बुनियाद पर उनके हुकूक नहीं देगी तो इसी तरह से मारा मारी होगी। और यह अगवागिरी बंद करो, इस तरीके से लोगों को उठाना, जबरी गुमशुदगियां करना और उनकी लाशें बरामद होना शर्म आनी चाहिए तुमको। ये जमहूरी हुकूमतों में नहीं होता, ये 21वीं सदी है, दुनिया भर में यह आवाज जा रही है और लोग देखेंगे कि किस तरह से इस रियासत के ऊपर शर्मनाक इस तरह की सूरत हाल है कि लोग अपने हुकूक के लिए आवाज उठा रहे। आज ये जो माए बहने आई है अपने प्यारे अपने लख्त जिगर के लिए, ये सिलसिला नहीं रुकेगा, ये सिलसिला आगे तक जाएगा। इसलिए इनके प्यारों को जल्द से जल्द आजाद किया जाए, उनको उसे मिलने दिया जाए और ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। ये महज़ हुकूमतों जमहूरी हुकूमतों का काम नहीं है। सोचना चाहिए पाकिस्तानी रियासत और उसके इदारों को कि किस तरह से आप आम लोगों के लोगों को उठा के लेकर जाते हो और उनके ऊपर क्या जुल्म होता है और उनके ऊपर क्या बीतती है। इस तरह से हुकूमतें नहीं चलती। आप सोचे 2018 के इलेक्शन आने वाला है, अभी भी खास तौर पे मैं अपने गयूर सिंह के दोस्तों से और भाइयों से और अपने सिंधी आवाम से गुजारिश करती हूँ कि खुदा का वास्ता अभी निकल कर आ जाओ और बैठ जाओ और इनके आगे नहीं झुकना और ना झुकने देना अपना सर। नारे